हाय गाइस, सो मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर विद ओपी सर। सो चलिए गाइस, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एकदम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली 5 या 6 और डेली हम लोग ऐसे ही प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो है हमारा वो है आ रिलीजियस सॉन्ग। क्या है आ रिलीजियस सॉन्ग? मतलब कि जो हम लोग धार्मिक संगीत सुनते हैं उनको बोलते हैं हैम सॉन्ग्स। क्या बोलते हैं? सिंपली हम लोग उनको बोल देते हैं हैम सॉन्ग। क्या बोलते हैं? हैम सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा अ शॉर्ट बट अ अम्यूजिंग स्टोरी। ठीक है ना, अ शॉर्ट बट अ अम्यूजिंग स्टोरी। इसके लर्न करने की ट्रिक क्या है? ठीक है ना, इसके लर्न करने की ट्रिक क्या है? ये मेरा एक डॉट है, ठीक है ना, मेरा ये क्या है, एक डॉट है। इस डॉट की सहायता से मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है ना। इस डॉट की सहायता से मैं कुछ रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। इस डॉट की सहायता से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इस डॉट की सहायता से मैं एक लाइन और ड्रॉ कर सकता हूँ। इस लाइन की सहायता से मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। इस लाइन की सहायता से मैं एक कुछ भी फ्लावर बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ एक सेंटर को मानकर। सो गाइस, अगर हम लोग एक डॉट की सहायता से इतना सब कुछ कर सकते हैं तो ऐसे ही आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड मीन्स होता है एक और डॉट मीन्स बिंदु। मतलब हम लोग एक बिंदु की सहायता से कितना कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग एक बिंदु की सहायता से, मतलब एक छोटी सी बिंदु की सहायता से हम लोग एक अम्यूजिंग मतलब बहुत ही मनोरंजक स्टोरी को क्या याद मतलब सुन सकते हैं, याद कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी हम लोग कह सकते हैं इसको। अ शॉर्ट बट अ अम्यूजिंग स्टोरी मतलब एक छोटी हो लेकिन कैसी हो, बहुत ही मनोरंजक हो। जैसे कि आप लोग जोक्स सुनते हैं छोटे होते हैं बट क्या होते हैं, बहुत ही मनोरंजक होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एन अननोन पर्सन। क्या है एन अननोन पर्सन? देखिए, इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर में एक कॉल आता होगा अननोन नंबर से। क्या होता होगा? अननोन नंबर से कॉल आता होगा, ठीक है ना, और ये सबके मोबाइल में आता है अननोन नंबर से कॉल। तो अननोन का मतलब होता है अज्ञान या अज्ञात, ठीक है ना, जिसको आप नहीं जानते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं अननोन नंबर। क्या बोलते हैं? अननोन नंबर। तो आप जिनको नहीं जानते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके लिए एनोनिमस होते हैं, अज्ञात होते हैं। तो लर्न करने की ट्रिक है अ पर्सन हु डज नॉट नोन मतलब अननोन पर्सन। नोन मीन्स क्या होता है? नहीं। और लर्न करने की ट्रिक यही है कि एक पर्सन है जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है ना, नथिंग। तो उसके लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? एन अननोन पर्सन, जो जिसके बारे में सिंपल जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते उनको सिंपल से आप बोल सकते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट है हमारा अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। देखिए, अगर एक पोएम है तो उसको हम लोग पोएम बोलते हैं, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग काफ़ी पोएम्स लिख दें, काफ़ी पोएम्स लिख दें, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। देखिए, जूलॉजी वर्ड है, ये एक ग्रुप को ही प्रदर्शित करता है। क्या करता है? एक ग्रुप को ही प्रदर्शित करता है, एंथोलॉजी, ठीक है ना, जहाँ पे एक ना हो, ठीक है ना, क्या क्या है, एक ना हो, एंथो, यहाँ पर क्या हो, थोड़ी बहुत ना हो, बहुत सारी हो, एंथोलॉजी। अलॉजी एक जो होता है हमेशा ग्रुप के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो एंथोलॉजी मीन्स अ कलेक्शन ऑफ बुक पोएम्स। एंड फिर क्या है? एट द सेम टाइम। सिंपली से जब गाइस आप लोग कहीं पे निकलते हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, जिसको आप चाहते हैं कि या चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि जहाँ से आप निकलते हैं, जिस टाइम आप निकलते हैं उसी टाइम पे आपके साथ में कोई और भी निकल पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या हो जाते हैं, एक एट द सेम टाइम पे निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एट द सेम टाइम पे निकल जाते हैं। उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पोरेरी, जब आप बिना सोचे समझे अचानक सेम टाइम पे निकल आए, ठीक है ना, कोई प्री प्लान्ड ना हो, तो उसको बोलते हैं कंटेम्पोरेरी। क्या बोलते हैं? कंटेम्पोरेरी। आप लोग बार बार अगर रिपीट करिएगा तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार और इनको रिवाइज कराऊंगा। अ मैन हु बिलीव्स इन गॉड आर नॉट आर डज नॉट बिलीव इन गॉड। ये इससे मैं दोनों आप लोग क्लियर कर दूंगा। एक आदमी है जो भगवान पे, गॉड मीन्स क्या होता है? भगवान। बिलीव मीन्स विश्वास करता है। अ मैन हु बिलीव्स इन गॉड क्या करता है? A man who believes in God, जो भगवान पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं थीस्ट पर्सन। देखिए, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। देखिए, बिलीव की जो स्पेलिंग होती है उसमें आई ई होता है, जबकि यहाँ पे जो थीस्ट की मीनिंग होती है उसमें ई आई होता है। सो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने योग्य है। अगर देखिए, हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो उसको बोलते हैं थीस्ट पर्सन, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उनको बोलते हैं एथीस्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? एथीस्ट पर्सन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा।